हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारा जो हमारी ये जो चल रहा है चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड ईयर फिजिक्स, इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, भाई कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, वो टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी है, वो आप देख सकते हो। मैं ओवरपिन भी कर रहा हूँ, यहाँ से भी आप क्लिक करके उससे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। खैर चलो, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ज़रा इसको देखते हैं कि भाई कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था स्टार्ट में, जब कैपेसिटर का टॉपिक शुरू किया था, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store चार्ज। ऐसे ही कुछ कहा था कि भाई कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो बदल गया कि भाई इन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। ज़रा ये देखते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। सबसे पहले तो मैं इधर एक कैपेसिटर बनाता हूँ। आपको पता है ये कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इनको आप एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये स्विच है। अच्छा, अब इसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, हमें पता है कि भाई इसके अंदर चार्ज कैसे स्टोर होना है। क्या होगा कि जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे बैटरी क्या करेगी, बैटरी इधर से एक इस प्लेट के ऊपर, ये मेटल प्लेट है और इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, ज़ीरो, और इस मेटल प्लेट के ऊपर भी नेट चार्ज कितना है, ज़ीरो, दोनों तरफ। बैटरी क्या करेगी, इससे कहेगी भाई एक इलेक्ट्रॉन दे। उसने कहा भी मैं नहीं देता इलेक्ट्रॉन, तू कौन है इलेक्ट्रॉन लेने। उसने कहा मेरे पास पोटेंशियल है, मैं छीन लूँगा, बड़ी ताकत है मेरे में। बैटरी क्या करेगी, अपने इस पोटेंशियल वी को इस्तेमाल करते हुए इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, और छीनने के बाद बैटरी कहेगी यार मैं नहीं रख सकती, मेरे पास खुद पूरे हैं। हाँ, ये कर सकती हूँ कि मैं आपका इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर रख सकती हूँ। बैटरी क्या करेगी, इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगी, जहाँ से आपको पता है इलेक्ट्रॉन जाता है उधर पॉजिटिव आता है, और जहाँ पर जाता है घूमकर उस जगह कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। पहले पॉजिटिव चार्ज आ गया इस प्लेट के ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, और इधर से घूमता घूमता बैटरी अपने अंदर से गुजार के इसे लाकर कहाँ रख देगी, नेगेटिव पर। अब हमने कहा कि भाई जो बैटरी है ये कैसे रख रही है, क्योंकि बैटरी के पास एबिलिटी है क्या करने की, टू डू वर्क। क्या, इधर लिख देते हैं, बैटरी हैज एबिलिटी टू डू वर्क। टू डू वर्क कैसे, आपको पता है कि V इज इक्वल टू W ओवर Q, तो W इंटू क्यू वी। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क, और जितना आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो असल में वो पोटेंशियल, और Q मीन ये जो चार्ज आप लेके जा रहे हो, ये बैटरी ने इसके ऊपर किया है वर्क। तो होगा क्या, अब पहले ये दोनों प्लेट्स थी न्यूट्रल, तो इधर कुछ भी नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ पर अब बन गया है पॉजिटिव, इधर बन गया है नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग टू भाई माइकल फैराडे बाबा जी के मुताबिक पॉजिटिव से एक फील्ड लाइन बनेगी, और जो किसकी तरफ इशारा करेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब आप आ जाओ इस तरफ, इस चीज़ को छोड़ो और ज़रा इस तरफ आ जाओ। अगर हम बात करते हैं कि ये पड़ा है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर पड़ा है एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ कि अगर आप में से कोई बंदा इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से दूर करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इस पॉजिटिव चार्ज को अगर आप सॉरी नेगेटिव चार्ज को अगर आपने इस पॉजिटिव से दूर करना है, जुदाई करनी है, तो यू हैव टू डू सम वर्क ऑन इट। मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को पकड़ कर लेट्स सपोज इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रखूँगा अपनी हथेली पर, और मुझे पता है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो मुझे ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी और मैं इसे ले आऊँगा इस जगह पर। अब बज़ाहिर ये देखने में ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, इसकी शक्लो सूरत सारा कुछ वही है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे से अब अपना हाथ हटा लूँगा तो ये खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है जब ये मोशन में जाएगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, लेकिन ये खुद ब खुद मोशन में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है इसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी यहाँ से आई जब मैंने इसको हाथ पे रख कर जब ऊपर उठाया था और इधर लेके आया था, तो मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क किया था, और जैसे ही वर्क किया था वो इसके अंदर किस शक्ल में स्टोर हो गया था, एनर्जी की शक्ल में। और जो एनर्जी
किसी चीज़ की चेंज इन पोजीशन की वजह से हो जाए, उस एनर्जी का नाम क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि अब ये चार्जेस की वजह से एनर्जी बन रही है, तो चार्ज को हमारी इधर जुबान में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। तो क्या नाम बन गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चार्ज के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप में से कोई बंदा क्या करता है कि इधर से ये चार्ज इधर पड़ा था, ये इसको इधर से डायरेक्ट ले जाने के बजाय घुमा घुमा के वापस इधर लेके आता, तो तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी स्टोर होगी जितनी पहले केस में होगी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। हमने फर्स्ट ईयर में भी इसका पढ़ा था। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसमें वर्क डन, जो भी वर्क करोगे वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है, तो ऐसी फील्ड। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके अंदर जो भी वर्क करोगे वो इसकी एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, और डिपेंड नहीं करेगा कि किस रास्ते से गए हो, सिर्फ डिपेंड करेगा कि पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है। तो क्या इधर कुछ यही नहीं हुआ कि मैंने इस पॉजिटिव से नेगेटिव को दूर किया, हाँ इसकी तरह ही, बट फर्क ये कर दिया कि उसके अंदर मैं डायरेक्ट उसको लेके जा रहा था, इधर मैं लेके नहीं जा सकता, बिकॉज इसके दरमियान में या तो इसके दरमियान में कोई स्पेस है, या हम कह सकते हैं कि यानी कि फ्री स्पेस है, और यहाँ इसके दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक है। अब आपको दोनों चीज़ें पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, तो चार्ज इस इंसुलेटर से मूव नहीं कर सकता, और फ्री स्पेस भी इंसुलेटर टाइप है तो उसके अंदर से भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेगा? हम इसे एक प्रॉपर वे से इससे जुदा कर देंगे। तो क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव अलग हो जाएगा और नेगेटिव, जिसकी वजह से इसके दरमियान में एक सेंटर में क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है डी, वो तो हमें पता है, वो तो हमने पीछे भी पढ़ा था, वो डी है। अब होगा क्या? ये सीन हमारा इधर हो जाएगा। अगर क्या होगा कि बैटरी जब दोबारा इधर आएगी कि भाई मैंने इधर से एक और पॉजिटिव छीनना, उसने कहा भाई अब क्या मसला है तुझे, अब तूने क्यों छीनना है? उसने कहा सर इस कंडीशन ये है कि इस जगह पर इन प्लेट्स के दरमियान में पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, इधर एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये पोटेंशियल इतना नहीं है कि इस बैटरी के पोटेंशियल से ज़्यादा हो। तो बैटरी का पोटेंशियल इतना है, बैटरी क्या करेगी? बैटरी दोबारा आएगी इधर अपनी तड़ी से, ओके ओए सोनिया, इसे कहेगी चार्ज दे, वो कहेगा भाई चार्ज क्यों दूँ, अभी तो दिया था तू इलेक्ट्रॉन, तो वो कहेगी मेरे पास पोटेंशियल ज़्यादा है तेरे से, मैंने तेरा चार्ज छीनना ही छीनना है। उसने कहा कौन सा छीनना है? उसने कहा सर मैं पॉजिटिव आया हूँ तो मैं जाहिर सी बात है ऑपोजिट बंदे को लेके जाऊँगा, नेगेटिव को। लेकिन अब ये जो कैपेसिटर की प्लेट है ये तड़ी करवा सकती है आगे से। उसने कहा भी तू क्या तड़ी करवाएगा? उसने कहा पहले सर मैं था नहत्ता, मेरे पास कोई बंदा नहीं था रोकने वाला इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब की बार मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये उसको कुछ ना कुछ मुकाबला ज़रूर करेगा। इसका मतलब है कि पहले बैटरी ने जो वर्क किया है, मैं इधर लिख देता हूँ साथ W1 किया था वर्क। अब सपोज W1 को सपोज कर लो, अब जो दूसरी बार बैटरी चार्ज छीनने आएगी तो बैटरी को इस जगह से इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन छीन रही है, लेकिन अब ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये बैटरी भी, लेकिन इसकी अट्रैक्शन की वजह से बैटरी हैव टू डू सम मोर वर्क, तो बैटरी को थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। जब बैटरी इधर से छीन लेगी, ऑल दो बैटरी के पास ताकत ज़्यादा है, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या बन जाएगी? एक और फील्ड लाइन बन जाएगी। ऐसे ही अगली बार जब तीसरी बार वर्क होगा तो बैटरी कहेगी ओए सोनिया फिर चार्ज दे, लेकिन प्लेट के पास अब दो बंदे हैं, अब की बार बैटरी को कैसा करना पड़ेगा? वर्क और ज़्यादा, उससे अगली बार और ज़्यादा। अब बैटरी जब वर्क करती जाएगी तो बैटरी जो भी वर्क कर रही है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड में कर रही है, वही वर्क इसके अंदर किस शक्ल में स्टोर हो रहा है? एनर्जी की शक्ल में। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। ऐसे ही है, लेकिन क्या होगा, क्या बैटरी हर बार तड़ी करवा के से ले जाएगी? उसने कहा नहीं सर अब नहीं लेके जा सकती। मैंने कहा क्यों, अब क्या सीन हो जाएगा? उसने कहा सर इस प्लेट्स के दरमियान में ना एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, आप कह लो वी ए और वी वी, एक ऐसा वक्त आएगा जब इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो
सॉरी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल के क्या हो जाएगा बराबर। ऐसे समझ लो कि जब बैटरी दोबारा आप चार्ज छीनने आएगी तो जितने पॉजिटिव चार्जेस इधर खींच रहे होंगे उस जाने वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी ही बैटरी की ताकत होगी, तो दोनों तरफ की वजह से वो चार्ज कहीं पर भी नहीं जा सकेगा और वहीं रुक जाएगा। और यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई हमने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है, ठीक है, फुल चार्ज नहीं किया, जितनी बैटरी का लेवल था उस लिहाज से हमने कैपेसिटर को क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया, ये वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप गौर करो और सारी चीज़ें भूल जाओ हकीकत में आपको नज़र क्या आ रहा है कि कैपेसिटर के हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरफ बैटरी की पॉजिटिव तार लगी है उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया और जिस तरफ नेगेटिव चार्ज लगी है उस तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन हकीकत में क्या हुआ है, इधर से पकड़ लाया गया। अब हुआ क्या, ये ऐसे ही समझ लो कि आपके पास एक लोअर लेवल में कोई पानी पड़ा है, आपने उस पानी को उठाकर हाई लेवल पर ले गया और वहाँ से वही पानी जब नीचे आता है तो होता कुछ भी नहीं है, पानी वापस अपनी असली कंडीशन में आ गया। लेकिन हुआ क्या, ऊपर भी उसकी कंडीशन वही थी, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे तो आप उस पर वर्क कर रहे थे और वही वर्क उस पानी के अंदर किस शक्ल में स्टोर हो रहा था, इनर्जी की शक्ल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्जेस दोबारा इधर आ सकते हैं अगर बैटरी को हटाकर तार को डायरेक्ट कर दिया जाए। बट क्या रोला होगा कि पहले ये चार्जेस जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे, बट क्या होगा कि जब ये डिस्प्लेस हुए हैं कंजर्वेटिव फील्ड में तो इनके अंदर क्या स्टोर हो गई है, एनर्जी, लाइक योर वाटर। वाटर नीचे जब ऊपर गया था तो इसके अंदर एक पोजीशन के चेंज की वजह से क्या स्टोर हुई थी, एनर्जी। अब वो चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर हुई थी तो उसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसने पानी की शक्लो सूरत पर कोई फ़र्क नहीं डाला था। सेम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज डिस्प्लेस हो गया तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। बट चूंकि चार्ज वाली तो इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखने में ये लग रहा है कि कैपेसिटर ने क्या स्टोर किया, चार्ज, हालांकि स्टोर नहीं किया डैम की तरह, डैम ने पानी स्टोर किया, लेकिन डैम पानी नहीं स्टोर कर रहा, साथ पानी के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम कैपेसिटर जस्ट चार्ज नहीं स्टोर कर रहा बल्कि चार्ज के साथ साथ एनर्जी स्टोर कर रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हमने कहा भाई यार वाकई इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, उसने कहा जी सर। मैंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं कि जब हमने कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया था तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना था दोनों प्लेट्स, उसने कहा जीरो। मैंने कहा सर अब चेक करें, उसने कहा सर अब भी जीरो। मैंने कहा कैसे, उसने कहा सर देखो जितने पॉजिटिव इधर है ना उतने ही नेगेटिव इधर है तो नेट चार्ज अब भी जीरो है। तो मैंने कहा फिर फ़र्क क्या पड़ा बैटरी को लगाने से, तो सर चार्जेस सिर्फ डिस्प्लेस हुए हैं और जो बैटरी की ताकत थी वर्क की वो इसके अंदर एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो रही थी। इसका मतलब है कि डायरेक्टली लग रहा है चार्ज है लेकिन इनडायरेक्टली एनर्जी स्टोर है। कैसे, अब हम अगर सपोज करेंगे ये तारेंगे क्योंकि ये चार्ज हो गया ना, हो गया, अब हम इसके दरम्यान में सपोज कोई बल्ब लगा देते हैं, अब जैसे ही मैं बल्ब लगाऊंगा तो ये चार्जेस दोबारा इधर जाएंगे तो नेट चार्ज, ये चार्ज इधर से उड़ के गया, ये फील्ड खत्म होगी, ये इधर आ गया वापस। लेकिन जब ये इधर से जा रहा था तो इसके पास वो एनर्जी थी, वो एनर्जी इसने इस बल्ब को दी और ये बल्ब क्या हो गया, रोशन। फिर ये चार्ज गया, ये फील्ड खत्म होगी क्योंकि चार्ज चला गया, इधर जाकर वापस न्यूट्रलाइज हो गया, फिर इधर और अल्टीमेटली ये फील्ड लाइन्स क्या हो गई, खत्म होगी। और जब बल्ब बंद हो गया तो मैं कहूँ अभी सारे चार्जेस इधर से उधर चले गए हैं, इसका मतलब है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर का चार्ज वापस अपनी ओरिजिनल प्लेट पर आ गया है। लेकिन जातु जो एनर्जी इसने स्टोर की थी वही एनर्जी इस बल्ब को देता गया और ये बल्ब रोशन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, ये बल्ब एक डिवाइस है जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, लाइट एनर्जी में, और यहाँ पर लाइट आ गई। क्लियर हो गया, इसका मतलब ये भी बना कि इसने एनर्जी को किया है स्टोर। क्लियर है यहाँ तक, अगर आप गौर करो तो जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती जा रही है ये फील्ड लाइंस खत्म होती गई, मैंने आपको दिखाया, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता गया तो इधर क्या बनती गई आपके पास, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता गया इधर फील्ड लाइंस बनती गई। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जो भी सारा काम हो रहा है वो इन फील्ड लाइंस की वजह से हो रहा है, अगर ये फील्ड लाइन नहीं होगी तो कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा और ना ही कोई एनर्जी स्टोर होगी, और फील्ड लाइन होगी तो चार्ज भी स्टोर हुआ और एनर्जी भी। तो सारी कहानी इस कैपेसिटर की फील्ड लाइंस पे आ गई है, यानी कि फील्ड लाइंस का मतलब है ई, क्योंकि फील्ड लाइंस तब होती हैं जब ई हो, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब हमारा टॉपिक यह है कि हमने एनर्जी जो स्टोर हुई है कैपेसिटर में वो कैलकुलेट करनी है कि भाई वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आए सर वो करती हैं जो कि मैथमेटिकल डेरिवेशन है। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेरिवेशन देख लेते हैं जो कि बहुत और इंतहाई आसान है, ठीक है। अब आ जाए इधर डेरिवेशन में। अगर आप गौर करें तो हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, जिसको मैंने इधर नाम दिया था डेल वी का, इन डिफरेंस की वजह से हम इसे क्या लेते हैं कि जो भी इधर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो है वी, और वो किसके बराबर होगा, वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। अब ये जो क्यू पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, क्योंकि क्यू का मतलब है चार्ज की अमाउंट, वो इधर भी वही है उधर भी, क्योंकि चार्ज दोनों तरफ एक जैसा है, इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव है, तो जो चार्ज जाएगा हम उसको देखेंगे। तो चूंकि ये वाला आया नेगेटिव क्यू, तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, हम सिर्फ इग्नोर करेंगे और मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। तो यहाँ से जो वर्क जितना भी हुआ वो किसके बराबर आ गया, क्यू ये जो चार्ज इधर आया और इंटू वी जो पोटेंशियल इसके दरमियान में क्रिएट हुआ वी, ठीक है। इसको आप डेल वी, उधर मैंने कहा इधर आप वी कह लो। वी का मतलब एक साइड हायर पोटेंशियल पर और एक साइड लोअर पोटेंशियल पर। अब ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ ये इसको लेंगे हम एवरेज पोटेंशियल ए वी जी। हमने कहा भाई एवरेज पोटेंशियल का क्या मतलब है, उसने कहा सर जो एवरेज पोटेंशियल है ना इसका मतलब ये है कि पहले पोटेंशियल कितना था जब आपने कैपेसिटर को स्टार्ट किया और बाद में कितना था। मैंने कहा भाई पहले पोटेंशियल कितना था, उसने कहा सर इसी इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन के मुताबिक पहले हमारे पास पोटेंशियल जीरो था भी। वो क्यों, क्योंकि जब बैटरी अभी लगाई थी तो दोनों तरफ न्यूट्रल थिंग्स थी, और दूसरी तरफ और पहली तरफ जो पोटेंशियल था वी वन वो कितना था जीरो, और जब आपने इसको चार्ज किया जो बाद में पोटेंशियल बना वी टू वो कितना हो गया आपके पास वी। तो फिर एवरेज पोटेंशियल कितना बना, वी एवरेज फर्स्ट वैल्यू जमा सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाई टू, तो एवरेज कितना हो गया वन बाई टू इंटू वी, क्योंकि ये वी वन कितना है आपके पास जीरो वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब जो कि इसके दरमियान में पोटेंशियल बना वो आ गया। अब आपको ये पता है कि जितना आपने इधर वर्क किया है वही आपके पास इधर किस शक्ल में स्टोर हो जाना है एनर्जी की, तो क्या आ जाएगा क्यू, और वी एवरेज की वैल्यू कितनी है वन बाई टू इंटू वी, तो इस इक्वेशन को ज़रा लिखे तो आ जाएगा हाफ क्यू इंटू वी। अब ये जो क्यू है ये कितना का स्टोर हो सकता है, मैंने कहा यार ये चार्ज जो है ये स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो कैपेसिटर की होती है, डिफरेंट कैपेसिटर की डिफरेंट है। मैंने कहा इसका मतलब है कि आप इधर बात कर रहे हो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज मींस के कैपेसिटर। सो अगर आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो इसके मुताबिक आपको पता है कि सी इज़ दी कैपेसिटेंस एंड वी इज़ दी पोटेंशियल, वो जो इन प्लेट्स के दरमियान में बनना है वी। तो अगर हम क्यू की वैल्यू, ये स्मॉल क्यू का मतलब है कि थोड़ा चार्ज, और कैपिटल क्यू का मतलब है फुल चार्ज। अब थोड़े चार्ज के लिए हम क्यू तब भी सी वी पुट करेंगे, क्योंकि सी तो वही रहेगा लेकिन वी क्या हो जाएगा थोड़े चार्ज के लिए डिफरेंट, और अगर बड़ा क्यू पुट करते हैं तो ये मैक्सिमम जो उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो। तो हम सपोज करते हैं कि भाई थोड़ा चार्ज है तो उसके लिए वी पुट कर लेते हैं फिर। अच्छा ये डायग्राम मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, ओहो क्यू का मैंने अभी बताया कि क्यू मीन थोड़ा चार्ज, तो थोड़े चार्ज के लिए कैपेसिटेंस सी तो वही रहेगी और जितना चार्ज होगा उतनी वोल्टेज होगी। तो हम ज़रा इसे पुट करते हैं, तो इधर से अब यू आ जाएगा वन बाई टू, क्यू की जगह आ जाएगा सी इंटू वी इंटू वी, तो क्या बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी है वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगी, जाहिर सी बात है जितनी एबिलिटी है, दूसरा वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो ये तो आ गई आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन अभी आपने बात की शुरू में कि सर जितना भी चार्ज इधर स्टोर हो रहा था इधर से पॉजिटिव से, आप जितने नेगेटिव इधर लेके आए हो वो सारा इन फील्ड्स की करता धरता है। तो फील्ड्स के करते धरते को आपको पता है कि फार्मूला होता है V इज इक्वल टू ई डी, यही होता है। और कैपेसिटेंस के लिए आपने एक फार्मूला कैलकुलेट किया था A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, जहाँ पर जो A है वो उन प्लेट्स का एरिया है, जो कि अभी हमने बात की। इधर बना देता हूँ मैं दोबारा एक डायग्राम, ये एरिया ऑफ द प्लेट है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डी है, और इनके दरमियान में जो फील्ड है वो ई है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन आर इनके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक
की रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर हम एयर की बात करें, फॉर एयर या फ्री स्पेस, तो एप्सिलन आर हो जाता है 1, लेकिन चूंकि हमने जनरल हर कैपेसिटर के लिए करना है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब जरा ये वैल्यूज पुट करें इधर, तो यूज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, सी की वैल्यू क्या है, ए एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर बाई डी, और वी का स्केयर है तो हम इधर लिखेंगे ई इंटू डी का होल स्केयर, तो आ जाएगा 1/2 ए एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर बाई डी इंटू स्केयर है ई स्केयर इंटू डी स्केयर। ये इससे काट गया तो क्या बचा, ए एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर ई स्केयर इंटू डी। इसका मतलब है कि ये वो एनर्जी है यू, ये वो वाली एनर्जी है जो कहाँ पर स्टोर होनी है, आपके कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के वॉल्यूम के अंदर। हमने कभी वॉल्यूम के अंदर, उसने कहा सर देखो ना कैपेसिटर है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट, तो ये है, ये ऐसे नहीं लग रहा कि एक आपको कोई स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप कोई डब्बा सा लग रहा है, तो इस डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, इसके अंदर की जो स्पेस है ये क्या बना रही है, एक वॉल्यूम, और इसके अंदर एक फील्ड है, तो इस वॉल्यूम के अंदर टोटल जो एनर्जी स्टोर होनी है वो क्या होगी, हाफ ए, ए मीन एरिया ऑफ द प्लेट। जितनी बड़ी प्लेट होगी, जितना बड़ा साइज का कैपेसिटर होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। दूसरा एप्सिलॉन नॉट, ये अभी बता दिया एप्सिलॉन आर, उसके अंदर जो रिलेटिव परमिटिविटी ई, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी, इसका मतलब है कि अगर आपने भी कैपेसिटर को थोड़ा चार्ज किया, तो चार्ज जब आप थोड़ा करोगे तो फील्ड लाइंस की तादाद क्या होगी, कम, तो फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम, तो इसका मतलब है एनर्जी कम स्टोर हुई। लेकिन अगर आप कैपेसिटर को फुल चार्ज करोगे तो फील्ड लाइंस की तादाद मैक्सिमम हो जाएगी, तो एनर्जी भी कैसे स्टोर होगी, ज़्यादा। और दूसरा डी, डी देखो ये प्लेट्स हैं, अगर इतना रखो तो ये वॉल्यूम छोटा बनेगा, इतना रख दो डी तो वॉल्यूम ज़्यादा बनेगा, इतना रख दो तो वॉल्यूम और ज़्यादा बनेगा। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम, जितना ज़्यादा स्पेस होगी, उतनी ज़्यादा ही उनके दरमियान में क्या स्टोर होगी एनर्जी, क्योंकि वहाँ एक्सटेंड उतनी ज़्यादा दूर तक क्या फैली होंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है जी, ये तो आ गया आपके पास टोटल एनर्जी जो स्टोर होनी है। लेकिन इसके अंदर एक और टर्म यूज़ की उन्होंने कि एनर्जी डेंसिटी, ठीक है वो मैं इधर लिखता हूँ, क्या चीज़, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इसको हमने इधर बुक ने स्मॉल यू से जाहिर किया, ठीक है, ये बराबर होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, एक वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर लेट सपोज ये मेरे पास ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, दूसरी प्लेट, इनके दरमियान में ये वॉल्यूम है, मैं कहता हूँ कि भाई ये 100 m³ का वॉल्यूम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इसके 1 m³ में ये 100 m³ का पूरा वॉल्यूम है। ये अभी मैं एक डब्बा बना के दिखाता हूँ, बचपन में डायग्राम बनाते थे, याद आ रहा है, लेट सपोज ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इनके दरमियान में ये वॉल्यूम है, तो मैं कहता हूँ इस पूरे वॉल्यूम में तो इतनी एनर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके यूनिट वॉल्यूम, लेट सपोज इसके यूनिट वॉल्यूम का हिस्सा ये छोटा सा डब्बा बनता है, तो मेरा कहना है कि इस छोटे से वॉल्यूम के इस टुकड़े के अंदर जो यूनिट वॉल्यूम बनता है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी को उसके टोटल वॉल्यूम पे क्या कर देंगे, डिवाइड। अब जरा देखते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी है मेरे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, देखो अभी आपको बताया कि ये एरिया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया, दरमियान में ऊंचाई, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया ज़रब ऊंचाई डी, मींस के लंबाई ज़रब चौड़ाई का मतलब है कि इधर वॉल्यूम का मतलब है लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया मल्टीप्लाई बाई डी, डी मीन के कितना दूर दूर प्लेट्स हैं वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम ये रख और टोटल एनर्जी ये रही, तो इसको डिवाइड करूँ तो टोटल वॉल्यूम का मतलब ये वाला फैक्टर इससे काट देगा, तो जो आपके पास एनर्जी स्टोर हुई है वो किसके बराबर आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ओहो बेटे ये एनर्जी है क्या, ये एनर्जी डेंसिटी, जो भी एनर्जी है वो असल में क्या है, 1/2 कांस्टेंट, ये रिलेटिव परमिटिव कांस्टेंट ई स्क्वायर, इसका मतलब है जितनी भी एनर्जी डेंसिटी है वो ई स्क्वायर के डायरेक्टली है। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात नहीं करना, एनर्जी डेंसिटी किसके डायरेक्टली है, ई स्क्वायर के। क्या कह रहा है,
इसका मतलब क्या बना कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो जितनी ज़्यादा उस स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर फील्ड लाइंस की तादाद होगी, यानी कि फील्ड लाइंस की तादाद अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करवाती है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होगी। तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो चार्ज चूज की कहानी नहीं है, वो सेस किसकी कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये था आपका आज का छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।